आपने डिजाइन सेलेक्ट करना है और बस इसको फिर छोड़ देना है, ये अपने हिसाब से जो है सीधी सिलाई बना रही है। जबरदस्त, घरेलू इस्तेमाल के लिए एक अच्छी मशीन है। इसके अलावा अगर आपने फिर यही पीको कपड़े पे करना हो तो आपने सिर्फ पैर चेंज करके उससे सिर्फ वो दामन जो मोड़ना होता है वो डिजाइन उससे फिर बनाना है आप, और ये अपने हिसाब से फूल बना लेता है। वाह कमाल हो गया, यकीन करो जिस तरह की कंपनी वाले मोर लगी है, 6000 में। जी जी बिल्कुल 6000 रुपए में सिर्फ अवेलेबल होगा, 6000 में जी बिल्कुल। ये मशीन अगर आपने कोई काज बनाना हो, कोई और ला करना हो, कोई पीको करना हो तो ये देख ले, यहाँ से लेकर 10 तक इसमें डिजाइन है। ये देख ले फादर भाई, ट्रिपल सीधी सिलाई, ट्रिपल सीधी सिलाई। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये देख ले इसमें मशीन में ऑप्शन मौजूद है, बस सिर्फ आपको समझना जरूरी है किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा ये देख ले कोई भी डिजाइन आपने बनाना हो इसको इस तरह सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। इसके अलावा बड़ी स्पीड है यार, आवाज बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल आवाज भी नहीं है, इसकी स्पीड भी नहीं है, हालांकि इसकी सुई जो 4 डायमेंशन सुई इसको कहते हैं, इसको स्लो तेज कर सकते हो जिस पोजीशन पे आपने चलाना है, जिस हिसाब से चलाना है इसको चला नहीं है। इसमें कैंची का सिस्टम है, सिर्फ इसको प्रेस कर ले बस, ये नीचे और ऊपर से धागा कट गया। जुपरी की मशीन है जिसको 09 भी कहते हैं, ठीक है। देखो जुकी एजेड बहुत सारे डिजाइन सब कुछ अच्छा ही चलती, कैसे जरा बालू खोल दे तो बालू खोल देते हैं, बिल्ली शिल्ली बना दे, ये बन गया इतनी जल्दी, इतनी जल्दी भाई इतना टाइम नहीं, पूरी डिजाइन बना सकते हैं। ये देखो जी बहुत ही जबरदस्त, साइड पे देख ले और भी स्टॉक आया हुआ है हमारे पास माशाल्लाह। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए किसी को मशीन चाहिए, जहेज में देने के लिए किसी को चाहिए, ये कौन सा मॉडल, इसको क्या कहते हैं, ये ब्रदर की मशीन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, ठीक ठाक खैर खैरियत। तो आज हम आए हैं सदाम भाई के पास, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हमने पहले दिखाई हुई है, लेकिन आज जो की 13-13, 15-15 हजार की जो मशीन लोग बेच रहे हैं मार्केट में देख सकते हैं भाई। सदाम भाई दावा करते हैं, सिराज भाई के छोटे भाई हैं, दावा करते हैं यहाँ पे आज मशीन आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 6000 में, पहली ऑफर, बाकी ऑफरें भी मिलने वाली है। सदाम भाई अस्सलाम वालेकुम। सदाम भाई सबसे पहले तो जो माशाल्लाह सब ने आप लोगों को जानते हैं, जिसने नहीं देखा उनको अपना एड्रेस बताएं। सबसे पहले फहद भाई हमारा एड्रेस जो है कारखानों है, कारखानों में फिर पिरानो मार्केट है, और पिरानो में जो है फिर शाहशाह के नाम से भी याद किया जाता है, बी ब्लॉक है, 49 नंबर दुकान है हमारी, ठीक है, पिशावर में ये कारखानो मार्केट पिशावर में। जी बिल्कुल पिशावर कारखानो थोड़ा सा मशहूर मार्केट है ना, तो इस वजह से हम कारखाने डायरेक्ट बोल देते हैं। तो आज वीडियो में कौन कौन से ऑफर मिलने वाली है? ऑफर तो खैर काफी दफा हमने भी दिए, लेकिन खैर आप जब भी आते हैं ऑफर के बगैर छोड़ती नहीं है, तो इंशाल्लाह ऑफर तो हमारे व्यूअर को चाहिए ना, तो अगर इसको चाहिए नहीं लेकिन आप हमसे ले जा रहे हैं, ऑफर के क्या करें, जिस तरह 6000 की मशीन आपको दे रहे हैं, यकीन करें आज 6000 की मशीन, वो मशीन वाकई मार्केट में 12-13 हजार से कम नहीं मिलती, कम से कम भी 12-13 हजार में मिलती है, लेकिन आज सिर्फ 6000 में लेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं बहुत ही आज यूनिक किस्म की मशीनें, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड न्यू 10x10 कंडीशन में, इंशाल्लाह वो भी सारे जापानी, बिल्कुल बिल्कुल जापानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज जापानी। सदाम भाई सबसे पहले कौन सी मशीन दिखाने वाले हैं? जी फहद भाई मैं आपको ये छोटा सा मशीन दिखा देता हूँ, ये देखिए घरेलू इस्तेमाल के लिए है, ठीक है, इसके तकरीबन कोई 8 से 10 टांके। अच्छा ये वाले सारे डिजाइन? जी बिल्कुल ये सारे डिजाइन है, सीधी सिलाई है और लाके पीको है, और इसके अलावा ये ऑटोमेटिक धागा डालने का सिस्टम भी इसमें है, ठीक है, तो घरेलू इस्तेमाल के लिए अच्छी मशीन है। अब सबसे पहले मैं इसकी सीधी सिलाई आपको ट्राई कर देता हूँ, यहाँ से इसका डिजाइन चेंज जो होता है ये एक व्हील है, ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। जी बिल्कुल ये सामने डिजाइन है, ठीक है, और यहाँ से इसका डिजाइन चेंज होता है, आपको जो भी डिजाइन चाहिए तो उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये सबसे पहले मैं इसकी सीधी सिलाई ट्राई कर लेता हूँ, ये देख लीजिए सीधी सिलाई बना रही है, तो आपने डिजाइन सेलेक्ट करना है और बस इसको फिर छोड़ देना है, ये अपने हिसाब से जो है सीधी सिलाई बना रही है, जबरदस्त बिल्कुल मोटरवे की तरह लाइन। जी जी बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, ये इसने सीधी सिलाई बना रही, ये देख ले फहद भाई आप इसकी सीधी सिलाई भी दे सकते हैं, इस पे फोकस भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे टांका बिल्कुल क्लियर है इसका, जबरदस्त। बाज़ औक़ात ऊपर नीचे टांके का अगर कोई मसला हो, अगर टांका ऊपर से खराब हो तो इसका मतलब है धागा आपने सही नहीं डाला, अगर नीचे से खराब हो तो इसके पास अटेंशन है, आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं कोई दूसरी डिजाइन ट्राई कर लेता हूँ, ये इसकी दूसरी डिजाइन चल रही है, ये देख ले घरेलू इस्तेमाल के लिए एक अच्छी मशीन है, आप मतलब घरेलू का जो काम है वो इससे आसानी ले सकते हैं, जबरदस्त, ठीक है। ये देख ले ये हमने सीधी सिलाई इसके ट्राई कर ली, इसके अलावा ये दूसरी डिजाइन हमने ट्राई कर ली, इसके अलावा अगर आपने पीको का डिजाइन बनाना हो तो पीको का डिजाइन भी बना सकते हैं इससे आसानी। अच्छा जी बिल्कुल, फिर ये डिजाइन जो है पीको मिको सारी एक ही मशीन से है कि सारे काम मशीन से जो आपकी जरूरत है उसे पूरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने फिर यही पीको कपड़े पे करना हो तो आपने सिर्फ पैर चेंज करके उससे सिर्फ वो दामन जो मोड़ना होता है वो डिजाइन उससे फिर बनाने आपने। अच्छा बाकी डिजाइन यही बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए आपने पैर चेंज करना है ताकि वो दामन इसकी मोड़ जाए।
जबरदस्त यार, जबरदस्त कमाल हो गया। ठीक है जी फाद भाई, अच्छा ये हो गया। इसमें और कौन से कमाल आते हैं, इसके बारे में जरा कुछ और बताया। इसमें ये इसके अलावा जो है कांच का सिस्टम है इसमें, कांच इससे आप बना सकते हैं, तकरीबन 8 से 10 डिजाइन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गिरोल इस्तेमाल की एक अच्छी क्वालिटी है। ठीक है जी भाई, ये अच्छा। और ये इसकी प्राइस क्या है? प्राइस तो फाद भाई क्योंकि पहले भी आपको पता है और मार्केट के लिहाज से पता है कि किस हिसाब से प्राइस चल रहा है, 13-14 हज़ार रुपए से कभी कोई ना कम देता है ना कोई। ये वाली मशीन? जी बिल्कुल ये वाली मशीन। ठीक है, क्योंकि आप अक्सर आते हैं ऑफर ही लेके जाते हैं हमसे, दूसरे आप फोर्स करते हैं हमारे ऊपर कि आपने प्राइस लाजमी काम भाई आपके माशाल्लाह होलसेल का काम है, बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह, देख सकते हैं कभी आपका माल पूरा ही नहीं होता, इतना मतलब आ जाता है एकदम सारा बिक जाता है, तो अच्छी बात करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, वो तो अंदाजा इस बात से होता है फाद भी कि ज्यादातर हमारी बजाय आपको भी कॉल आ जाती है और आपसे भी लोग मशीनें मंगवा लेते हैं, तो ये आपके व्यूअर के लिए सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर 6000 रुपए में अवेलेबल होगा। 6000 में? जी जी बिल्कुल 6000 रुपए में अवेलेबल होगा। 6000 में ये मशीन मिलेगी? जी बिल्कुल, ये वाली मशीन जबरदस्त। इसके अलावा अब एक बात मैं और करना चाहता हूँ फाद भाई, अब वीडियो में हमने ये मशीन दिखाई, ठीक है, हमारे पास आती है लाट, लाट में मुख्तलिफ किस्म की वरायटी आए, तो जरूरी नहीं है कि ये मशीन लोग मांगे, इसके अलावा ये वाली मशीन देख ले, ये पड़ा है हमारे पास, ठीक है, ये भी कस्टमर मांग सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वाली मशीन है, ये भी कस्टमर मांग सकते हैं, वही चीज है। जी जी बिल्कुल सेम वही चीज है, हालांकि बाजों का जो चीज वीडियो में दिखाई जाती है कस्टमर वही चीज मांगते, जरूरी नहीं है कि आपको वही चीज मिल जाए, मतलब आप उसी तरह की अच्छी चीज उसी तरह की देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह की चीजों का उसी प्राइस में होगा, लेकिन जरूरी नहीं की वही चीज हो, थोड़ा सा मॉडल ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा मॉडल नीचे भी हो सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं, हमारे पास काफी वरायटी पड़ी है, काफी मशीनें पड़ी है यहाँ पे, आप मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ये देख ले, उस टाइम हो सकता है आपको ये मशीन भी मिल जाए, ठीक है, ये देख, उस टाइम हो सकता है हमारे पास ये वाली मशीन में अवेलेबल हो, लेकिन मशीन सारे एक ही जैसी है, डिजाइन सारे एक ही जैसे, और प्राइस के हवाले से भी बिल्कुल, हालांकि इस प्राइस में वारा करता नहीं है फाद भाई, लेकिन आप चोड़ते नहीं है, इसलिए आपके कस्टमर के लिए स्पेशल इसी प्राइस में अवेलेबल, 6000 में? जी बिल्कुल 6000 में अवेलेबल होगा। इसके बाद कौन सी दिखाने वाले? इसके बाद फाद भाई मशीनें तो मेरे पास काफी है, मेरे ख्याल से अगर एक एक मशीन के मैं डेमो दे जाऊंगा शायद रात गुजर जाएगी। नहीं खैर है, 3-4 मशीन को डेमो तो देने चाहिए ना, इससे अच्छी वाली और दिखाएं। जी जी बिल्कुल, बेटर है नए मॉडल में वो दिखाएं। इसके अलावा फिर ब्रदर की एक और मॉडल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सी वाली मशीन? ये हमारे पास एक ब्रदर की मशीन है, ये भी घरेलू इस्तेमाल के लिए, लेकिन इससे आप कमर्शियल काम भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई काज बनाना हो, कोई और ला करना हो, कोई पीको करना हो, तो ये देख ले, यहाँ से लेकर 10 तक इसमें डिजाइन है। बाज ऐसी मशीनें होती है जिसमें ट्रिपल सीधी सिलाई करने के लिए आपने उसमें 3 सुइया या 3 धागे डालने होते हैं। अच्छा, ये एक ही सिलाई से, एक ही धागे से 3 किस्म की सिलाई, मतलब ट्रिपल सीधी सिलाई कर सकते हैं। 3 सुइया बिल्कुल और 3 धागे डालने पड़ेंगे दूसरी मशीन की, दूसरी मशीन की, इसमें एक ही सुई से एक ही धागे से आप 3-3 बिल्कुल बिल्कुल ट्रिपल सिलाई सीधी सिलाई आप कर सकते हैं। बिल्कुल डेमो में आपको दिखा भी दूंगा, जबरदस्त आपने किस तरह से करना है। ये मैं एक ट्राई कर लेता हूं। जी बिल्कुल, ये धागे ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक इसका ट्रायल देना भी जरूरी है। बस कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास मशीनें होती है लेकिन उनको धागा डालने की समझ नहीं आ रही, तो सबसे पहले जो है ये धागा डालने से पहले मैं इसका जो फुट है इसको ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि एक बात यह है कि बाज कस्टमर पूछते हैं कि फुट ऊपर करना जरूरी होता है, असल में यहाँ पे इसके प्लेट लगे होते हैं, जब आपने पैर इसकी फुट ऊपर कर दी तो इसका जो प्लेट है वो अलहदा हो जाती है, तो इसके लिए प्लेट का ऊपर करना, फुट का ऊपर करना जरूरी होता है। यहाँ पे देख ले, एक नंबर का निशान दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दी, फिर देखो 2 को मैंने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पे दोबारा एरो का निशान दिया हुआ है, अब ऊपर आ गया, 4 है, एरो निशान भी है और साथ में ये कुंडी भी है, यहाँ पे मैंने डाल दी। इसके बाद जो है डायरेक्ट में आ गया सुई की तरफ, मैंने सुई में धागा डाल दी, ठीक है। अच्छा, आप धागा ऑटोमेटिक भी डाल सकते हैं, मैनुअल भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह धागा डाल, चाहे आप मैनुअल डाले चाहे आप ऑटोमेटिक डाल दें, ठीक है जी। ठीक है, ये धागा डालने का इसका तरीका है। और इसके बाद जो है फिर हम आते हैं डिजाइन की तरफ, मैं कोई बुकरम या कुछ और देख लेता हूँ डिजाइन बनाने के लिए। अच्छा जी, मैंने कौन से वाला डिजाइन बनाएंगे? सबसे पहले आप ही बता दे आपको कौन सा पसंद है ताकि मैं वही डिजाइन बना दूं। जो आप कह रहे हैं 3 सुइयां एक सुई के बराबर ये काम करेगी, वहां पे 3 लगाने पड़ेगी, इसमें एक काम करेगी। जी जी बिल्कुल, तो ये रही 10 नंबर डिजाइन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके सामने डार्ट लगा हुआ है, ये इसका व्हील है, यहाँ से इसका डिजाइन चेंज होता है, बस आपने इतना ध्यान रखना है की जब सुई अपनी धागा ये सुई जब नीचे हो ना डिजाइन चेंज नहीं करना, ठीक है, लाजमी इसको ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो आ गया मैं 10 नंबर पे, 10 नंबर पे कौन सी है? ट्रिपल सीधी सिलाई है, बिल्कुल है। मैंने आपके सामने एक ही धागा डाल दिया, एक ही धागा एक ही सुई, एक ही सुई, ठीक है। अब इसको हम ट्राई कर देते हैं, सब कुछ आपके सामने, यहाँ से इसका स्पीड स्लो तेज हो सकता है, ठीक है। अब ये देख ले,
ये देख ले फाद भाई, ट्रिपल सीधी सिलाई, ट्रिपल सीधी सिलाई जी बिल्कुल। ये ट्रिपल सिलाई है, एक धागे से आप ट्रिपल सिलाई कर रहे हैं जी बिल्कुल। यार बड़े कमाल की चीज नहीं है ये। बस ये फाद भाई, इन मशीनों में अच्छे कमाल आते हैं। अच्छा, जो बंदर जिस बंदे को जानता है जी बिल्कुल, जो जिस बंदे को मैनुअली, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने बनाई, जापान ने इसलिए नहीं बनाई, इस वजह से बनाई कि बंदे से फायदे उठा सके। लेकिन सिर्फ दो चीजें, एक धागा डालने का तरीका, इसकी थोड़ा सा चलाने का, ऑपरेट करने का, बस ये आपको सीखना चाहिए, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये हम आ जाते हैं आम सीधी सिलाई पे। ये रही इसकी आम सीधी सिलाई, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। ये मैं बना रहा हूँ, आप स्पीड भी देख सकते हैं किस लिहाज से ये चल सकता है। ये देख लीजिए इसका स्पीड है, बड़ी स्पीड है जी बिल्कुल। ये हो गया सिंगल, ये हो गया सिंगल, ये हो गया तीन सुइयों वाला डबल, डबल बिल्कुल। इसके बाद कोई पीको की डिजाइन मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। ये चार नंबर पे देख ले, चार नंबर पे पीको का डिजाइन है, ठीक है। अब इस पीको का डिजाइन मैं ट्राई कर देता हूँ। यहाँ से मैंने मशीन स्टार्ट कर दिया, अब इसके दरमियान फासला ज्यादा है। अगर आप इसको करीब करना चाहते हो तो इसका ऑप्शन इसमें है, जितनी आपकी मर्जी हो आप इसको करीब कर लें, जितने आपकी मर्जी हो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं जी बिल्कुल। ये देख लें, इसमें मशीन में ऑप्शन मौजूद है, बस सिर्फ आपको समझना जरूर कि किस तरह आपने इसको ऑपरेट करना है। ये देख लीजिए, ये हमने पीको का डिजाइन ट्राई कर लिया, ठीक है। ये नीचे से आप देख सकते हैं, ऊपर से भी आप देख सकते हैं। ये एबिलिटी इसमें है कि आप इसको करीब और दूर कर सकते हैं, ठीक है। क्या प्राइस है इसकी? प्राइस तो मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन 14-15 हज़ार प्राइस चल रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन फाद भाई, आपके व्यूअर के लिए लाजमी है 12 हज़ार में अवेलेबल होगा। 12 हज़ार जी बिल्कुल, ये वाला जी बिल्कुल जबरदस्त। इसके बाद कौन सी दिखाने वाले? इसके बाद तो मशीन है मेरे पास और भी है, लेकिन चलो मैं एक दूसरा मशीन आपको ट्राई कर देता हूँ, वो देख लें। थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल, ये ब्रदर की मशीन है, थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल है, अच्छा मॉडल है ये, ठीक है जी बिल्कुल। इसमें डिजाइन भी ज्यादा है और ये मुझे सब कंप्यूटराइज लग रही है। जी जी बिल्कुल, कंप्यूटराइज है क्योंकि इसके स्क्रीन में, इसमें साथ इसका स्क्रीन है ना, ठीक तो जाहिर बात है इसमें डिजाइन भी अच्छे होंगे और बड़े भी होंगे। अच्छा जी जी, बहुत बड़ी मशीन है। इसमें कितने डिजाइन होंगे? इसमें तकरीबन 100+ होंगे, 150 तक होंगे। 150 तक जी बिल्कुल, जबरदस्त। और इस मशीन को साइड पे रख दी, इस मशीन में और कौन सा कमाल है? कमला तो इसमें बहुत है, आपने कुछ पूछे नहीं है, आपने कम दूसरा मॉडल दिखा दिया। इसमें कांच का सिस्टम है, लेकिन अच्छा सिस्टम है। अगर किसी ने कांच कर रहा हो ना घर में, तो देख ले इसका तरीका बहुत सिंपल है। ये देख ले, सबसे पहले यहाँ पे ए बी दिए हुए, तो सबसे पहले आप ए पे आ जाए, ठीक है। ए का डिजाइन सेलेक्ट कर ले और यहाँ से स्टार्ट कर ले। अब ये जाएगी पीछे की तरफ जी बिल्कुल, कांच का एक तरफ बनाएगा। ये ए इसने बना दी, ठीक है। अब बी, यहाँ पे बी सेलेक्ट करोगे, बी आपने सेलेक्ट कर दी, वापस ये अब आगे की तरफ आएंगे। ये देख ले, अब ये देखिए खुद ब खुद जब यहाँ पे आ जाए, इसको स्टॉप कर लेना। अब ये दिखा दे अपनी, ये कांच बन गया। ये बिल्कुल, ये इसका तरीका है कांच का, कांच इस तरह बन लेता है, फिर साथ में हम कांच कटर दे देते हैं तो उससे वो काट सकता है। चलिए ठीक है, इसको हटा के ये लगाएं। भाई ये देख ले, ये ब्रदर की मशीन है, ब्रदर D8000, ठीक है। मिकी माउस इसको कहते हैं, इसमें D7000 भी आ सकता है, D8000 भी आ सकता है, D9000 भी आ सकता है। इसमें एक एबिलिटी है कि आप इसको फ्रेम भी लगा सकते हैं और फ्रेम के बगैर भी चला सकते हैं। एक तो ये कि इसका तरीका बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये सामने इसका डिस्प्ले है जी, यहाँ पे आपको कोई भी डिजाइन चाहिए हो इनमें से, तो यहाँ से आसानी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देख ले, कोई भी डिजाइन आपने बनाना हो इसको इस तरह सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और डिजाइन बनाना हो तो इसके अंदर फिर ये फोल्डर है, ये फोल्डर ओपन हो गए, ये देख ले इसके अंदर फिर मजीद फोल्डर है। अगर आपने EBC लिखना हो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपने कोई पुल बनाना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आगे जाने का ऑप्शन ये है, जितना आप चाहो आप आगे अच्छा, जा सकते हो। पता है मतलब एक एक सिर्फ मोड़ते जाए इस तरह। जी जी बिल्कुल, ये जितने भी आप आगे जाओगे कोई ना कोई डिजाइन लाजमी अच्छा। आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी ट्राई कर लेते हैं सीधी सिलाई, ठीक है। ये देख लीजिए इसकी सीधी सिलाई है, बड़ी स्पीड है यार, आवाज बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, आवाज भी नहीं है, इसकी स्पीड भी नहीं है। हालांकि इसकी सुई जो है 4 डायमेंशन सुई इसको कहते हैं। अच्छा, जो कंप्यूटराइज मशीन होती है इसको सुई चारों तरफ घूमती है। अच्छा, तो लाजमी उसका स्पीड बहुत स्लो होता है, लेकिन उसका स्पीड उस लिहाज से नहीं है, मतलब अच्छा स्पीड है, ठीक है। ये हमने सीधी सिलाई ट्राई कर ली। इसके बाद अगर आपने कोई पीको का डिजाइन बनाना हो, ये पीको का डिजाइन आया गया, इसमें एबिलिटी है, ये देख ले आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, चाहे आपने छोटा करा हो चाहे बड़ा करना हो, स्पीड इसमें है। यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल रहा है, आप इसको स्लो तेज कर सकते हो, जिस पोजीशन पे आपने चलाना है, जिस हिसाब से चलाना है इसको चला सकते हैं। इसमें कोई और डिजाइन बनाए, कोई फूल शूल बने? जी बिल्कुल, इसमें फूल वाले डिजाइन है। ये देख ले, यहाँ पे इसका फोल्डर है, फोल्डर को आप ओपन कर ले, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फूल है, कोई भी डिजाइन आप सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट कर ली ये वाले डिजाइन, इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर ले।
तो बस पूल की डिजाइन बनाने के लिए आपने थोड़ा सा इसको टाइम देना होता है, क्योंकि लाजमी बात है जब पूल ये कलेक्ट कर लेता है फिर बना लेता है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगी। ऐसा ना हो कि आप ये भी सोच ले कि सीधी सिलाई की तरह ये भी बस रेस लगा ले। पूल तो टाइम लगेगा जी बिल्कुल, और ये अपने हिसाब से पूल बना लेता है। वाह जबरदस्त यार, ये देख ले किसने अगर कोई दामन पे पूल बनाना हो, कपड़ों पे बनाना हो, कुछ और भी करना हो, तो वो काम इससे आसानी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें यार, इस पे तकरीबन कितने डिजाइन है इसमें? इसमें तकरीबन कोई 150 डिजाइन है। बंद होता है बिल्कुल, यहाँ से ये बंद होता है, इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर ले। सारी बातें उठाना कहाँ से? ये देखो इसका फुट प्रेशर है, इसको यहाँ से आप उठा ले, ठीक है? ये देख ले, अगर आपने दिखाना है अपने व्यूअर को तो ये डिजाइन दिखा ले। यार कमाल हो गया, कमाल हो गया, यकीन करो जिस तरह की कंपनी वाले मोहर लगी है इस तरह बना है। ठीक है, इसमें तकरीबन कितने डिजाइन क्या है इसमें? फर्द बाई 150 प्लस डिजाइन, 150 प्लस जी बिल्कुल। देख ले इसमें कितने फोल्डर है, तकरीबन कोई 8 फोल्डर है। ठीक है, 8 फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर 25-30 से ज्यादा डिजाइन है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन की जाए तो 150 प्लस बनते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन आप 100 के हिसाब से लगा ले कि 100 डिजाइन में, क्योंकि ये बीसी का अवेलेबिलिटी है इसमें, अपने कोई नाम लिखना हो, कुछ और करना हो तो वो इसके साथ आप कर सकते हैं। कर सकते हैं जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक और इसमें कौन सा कमाल है? एक अच्छा ऑप्शन इसमें ये है कि आपने कोई डिजाइन बना ली, फॉर एग्जांपल ये सीधी सिलाई आपने ट्राई कर ली, तो मतलब इसको आपने डायरेक्ट कैंचने की जरूरत नहीं है, इसमें कैंची का सिस्टम है, सिर्फ इसको प्रेस कर ले, बस ये नीचे और ऊपर से धागा कट गया। वाह यार मजा आ गया, मजा आ गया जी। ये वाले इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस फाद भाई मार्केट के लिहाज से 25-26 हजार प्राइस चल रहा है फिलहाल के, लेकिन ये भी आपके व्यूअर के लिए सिर्फ 20,000 में अवेलेबल होगा, हमारे काफी कंसेशन के साथ। बिल्कुल कंसेशन के साथ, आप पूछ सकते हैं फादर भी, आप भी पूछ सकते हैं, आपके व्यूअर भी पूछ सकते हैं। ये तो कोई यहाँ पे आए वो समझेगा, कोई ऑनलाइन ले तो वो कैसे समझेगा? ऑनलाइन लेने के लिए लाजमी बात है, देखिये हम अक्सर वीडियो में ये बात कह देते हैं कि आपने जब भी मशीन लेना हो तो पहले हमसे मशवरा ले, मशीन को आपके आपको किस वास्ते चाहिए, घर के लिए चाहिए, अपने कमर्शियल काम के लिए लेना है, क्योंकि डायरेक्ट जब बंदा ये देख लेता कि यहाँ पे मशीन चल रही है तो उसके डायरेक्ट ऑर्डर दे देते हैं, फिर उसको समझ नहीं पड़ती मैंने क्या करना है। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है कि किसी को अच्छा मशवरा देना, तो लाजमी हम मशवरा दे देते, बल्कि आपके व्यूअर में से काफी लोग ऐसे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने हमको कॉल किया कि हमने उनको अच्छा मशवरा दिया होगा, लाजमी किसी को बुरा मशवरा हमने नहीं दिया। मशवरे के बाद जब वो कह दे कि मतलब वो आपसे मशवरा करके मशीन ले तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, मशवरा करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कौन सी दिखाने वाले? इसकी बात तो जहरी बात है, अब चूंकि एक मशीन और दिखा दे, चलो वैसे तो दिखाते दिखाते सैकड़ों, एक और दिखा दे इससे अच्छी वाली दिखा दे। अच्छा इससे ऊपर जो है फिर हमारे पास जूकी में एक मॉडल आती है, जूकी जुकरी जिसको कहते हैं। ठीक है जी बिल्कुल, ये देख ले इसमें, फिर इसमें भी अच्छी डिजाइन भी बड़ी है जी बिल्कुल, इसमें डिजाइन भी अच्छी डिजाइन है और काफी बड़े बड़े डिजाइन है। ठीक है चलो इसके बाद ट्राई कर लेते हैं। ये आप ये जो कि 009 वाली मॉडल है जी बिल्कुल, 009 वाली, बल्कि आपकी व्यूअर के काफी कस्टमर ये ले भी चुके हैं फाद भाई जी माशाल्लाह, और उनका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है उस हिसाब से। ये देख ले इसमें ये सामने डिजाइन है, ये सारे डिजाइन, ये सारे डिजाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे डिजाइन। अच्छा, बतख भी बनती है, गाड़ियाँ भी बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है, जो चीज भी आपने बनाना हो इसके अंदर तो आसानी इसको आप बना सकते हैं। जुपरी की मशीन है जिसको 09 भी कहते हैं। ठीक है देखो जुकी एक्सडेल, बहुत सारे डिजाइन, सब कुछ अच्छे ही चलती, कैसे जरा इसके बारे में ये देख ले, ये सामने इसका डिस्प्ले है। ठीक है, इनमें से अगर आपने कोई डिजाइन बनाना हो तो सिंपली इसको आप टच कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपने टच कर ली, यहाँ से आप मशीन स्टार्ट कर दे, सिंपली टच करना स्टार्ट जी जी बिल्कुल, सिंपली आप इसको टच कर सकते हैं। इसका स्पीड सिस्टम यहाँ से है, यहाँ से आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ी स्पीड है यार इसकी। ये देख ले, ये इसकी सीधी सिलाई है, आप इसकी सफाई भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से भी चेक कर सकते हैं, नीचे से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हो गई सीधी सिलाई। अब आगे आपने किसी डिजाइन की तरफ जाना हो तो देखिए इसके अंदर भी ऐसी फोल्डर है। ठीक है, फोल्डर खोले हुए जी बिल्कुल, इनमें से कोई फोल्डर भी आप खोल दे, बालू शालू खोल ले, बालू ठीक है, अब अगर आपने कहना है बालू खोले तो बालू खोल देते हैं, बिल्ली शिली बना दे, बिल्ली बना देता हूँ इसमें, चलो हेलीकॉप्टर सब हेलीकॉप्टर कुछ तो बना दे, चलो मैं एक बालू सा बना देता हूँ। ठीक है, ये बना रहे। अच्छा तो ये इसको आगे इस साइड पे बनेगा? बिल्कुल, ये अपने लिए जगह खुद बना रहा है, बस आपने सिर्फ इतना करना है कि इसको स्पेस देना है। अच्छा, ताकि जितना डिजाइन हो उस डिजाइन से ये अपने हिसाब से फिर सेटिंग हो जाती है इसकी। अच्छा, इसकी डिजाइन बड़ा छोटा कैसे होता है? बड़े छोटे का ऑप्शन इसमें है यहाँ से। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन इसमें मौजूद है, लेकिन बाज ऐसे डिजाइन होते हैं जो छोटे बड़े नहीं हो सकते, बाद ऐसी डिजाइन है उसके साथ खुद ब खुद आ जाते हैं, माइनस और प्लस आ जाते हैं, आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अच्छा जी, ये बन गया बाद में? हाँ ये बन गया, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी भाई, इतना टाइम नहीं लगता इस पे, ये हो गया। इसमें भी कटिंग वाले हिसाब है? जी बिल्कुल, कटिंग वाले हिसाब इसमें है, कैंची दी हुई है, इससे आप कट सकते हो। वाह यार कितना छोटा सा बना,
जबरदस्त यार, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें मजीद जो है डिजाइन है, ये देखिए, ये इसका फोल्डर है, आप इसको ओपन कर ले, ये इसमें डिजाइन है, जो भी डिजाइन आपको पसंद हो सामने देख के फर्द भी खूबसूरत और अच्छे अच्छे डिजाइन है इसमें, ठीक है। आपने जो भी डिजाइन बनाना हो, मिसाल के तौर पर ये एक मुश्किल डिजाइन है, सबसे पहले इसको हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये बालू के बाद मशीन में सबसे मुश्किल डिजाइन ये सबसे मुश्किल डिजाइन है, ये क्योंकि जो मशीन ये डिजाइन बना सकते है, इट्स मीन के पूरा मशीन, पूरी मशीन, पूरी डिजाइन बना सकते है। ये देखो जी, बहुत ही जबरदस्त, कमाल हो गया। ये देख रहे फाद भाई, ये अच्छी डिजाइन है, इसने बना ली, मजीद डिजाइन भी है अगर आप कहते हैं कि मजीद डिजाइन बना ली। खासियत इसमें है कि इसमें फ्रेम का सोल्यूशन इसमें है, मतलब आप फ्रेम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 09 मॉडल है, इसका फ्रेम भी आ सकता है। इसकी गारंटी क्या होती है इन मशीनों की? मशीनों की गारंटी ये होती है कि आपने इसको डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है, दूसरा इसको पेंगना नहीं है, बाकी शीशा इसका इतना मजबूत है, अगर ये मामूली कोई चीज से लग भी जाए तो मतलब टूट नहीं सकता। बड़ी चीज नहीं, आपने बचाने मशीन को, आपने नहीं गिराना, बाकी ये चल सकता है, बस डायरेक्ट नहीं लगाना, इसकी सबसे बड़ी बात ये। और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू आजकल इसकी है 26,000 रुपए। आप कितने में देंगे? 24,000 में। 24 तो कुछ ज्यादा है, मार्केट 26 है और आप 2,000 रुपए कम कर रहे हैं मेरे भाई। अफाद भाई मैं प्यार मोहब्बत करें हमारे व्यूवर से, वो सिराज भाई की तरह सिर तो ना हिलाए, वो सिराज भाई सिर्फ सिर में बालों में उंगलियां लगा लेते हैं, उसके आधे बाल है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो बस कह देते हैं नहीं, आप कुछ गुजारा करें यार। चले मैं इतना कर देता हूँ, इस 24 में डिलीवरी भी दे देता हूँ, डिलीवरी फ्री, बिल्कुल 1500 रुपए डिलीवरी पे आते हैं, क्योंकि इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है, ये 1500 रुपए आप और होगी और भी जबरदस्त। वैसे आपके पास मशीनें और कौन कौन सी होती है वैसे बता दे, क्योंकि इस तरह चेक करते करते दो दिन गुजर जाएंगे। देखिये फाद भाई, वरायटी तो हमारे पास काफी पड़ी है, छोटी मशीने भी है, बड़ी मशीने भी हमारे पास, इस साइड पे देख ले और भी स्टॉक आया हुआ है हमारे पास। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए किसी को मशीन चाहिए, जहेज में देने के लिए किसी को चाहिए, ये कौन सा मॉडल, इसको क्या, ये ब्रदर की मशीन है, LT21। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस जो है मार्केट के लिहाज से काफी ज्यादा है, 55,000-50,000 है, ठीक है। और अगर आपके व्यूअर में से किसी को चाहिए होगी, इन 15 दिन के अंदर अंदर अगर सेल हुआ तो फिर आपने गलनी करना, सेल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह 35,000 में देंगे। और ये जापानी पड़ी है? जी बिल्कुल, ये जापानी। ये कितने की होती है? जापानी मशीन तो इससे ये कंडीशन पे डिपेंड कर लेती है, 18,000 से लेकर 23,000 तक है हमारे पास। ठीक हो गया। डिलीवरी आप कैसे करते हैं? डिलीवरी के हमारे दो तरीके है, कैश ऑन डिलीवरी भी कर लेते हैं और एडवांस पेमेंट भी कर लेते हैं। एडवांस पेमेंट पे आपके कस्टमर को फायदा होगा, उनके ऊपर कैश ऑन डिलीवरी मतलब डिलीवरी चार्जेस नहीं आएगी, ठीक है। अगर किसी ने एडवांस पेमेंट कर ली सारी, अगर कोई कहते हैं कि नहीं जी हमने कैश ऑन डिलीवरी पे करना है तो बिल्कुल सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन भी डिलीवरी चार्ज आपके कस्टमर के ऊपर है, सिवाय एक मशीन के। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। और हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फहद भाई बस मैसेज में यह देना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, और एक अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज आपको चाहिए, मैं एक दफा दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ, काइंडली मशवरा जरूर करते रहना, मशवरा करके मशीन ले। जी बिल्कुल, थैंक यू भाई जान। एक दफा दोबारा अपना एड्रेस भी बता दें। एड्रेस पिशावर में हमारी कारखानों मार्केट है, कारखानों में जो है शाह शॉपिंग के सेंटर के नाम से भी याद किया जाता है और पिराना मार्केट के नाम से भी याद किया जाता है, बी ब्लॉक है, 49 नंबर शॉप है हमारी। थैंक यू सलाम भाई, इसी बात पे आपसे हमारे व्यूअर्स से इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।